नमस्ते बच्चों, मैं रीति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी ही एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 माधव जी फौजदार इसके प्रथम पार्ट की चर्चा की थी। आज हम इस क्लास में इस इकाई को आगे बढ़ाएंगे और पूर्णत्व की ओर लेके जाएंगे। उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने जो अभ्यास किया है उसे फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, यहाँ एक एकांकी है, इसमें दो दृश्य दिए गए हैं। हम पहला दृश्य देख रहे थे कि शिवाजी अपने कक्ष में सोए हुए थे और वो गहरी नींद में थे, तब उसे एक भयानक सा स्वप्न दिखाई देता है और वो उठ खड़े होते हैं। तभी सामने एक छोटी आयु का लड़का है जो नंगी तलवार लेके खड़ा है और वो शिवाजी पर प्रहार करता है। तभी तानाजी आकर पीछे से उसकी तलवार को पकड़ लेते हैं, यानी कि उसका हाथ पकड़ लेते हैं। यह दृश्य देखकर शिवाजी तानाजी की ओर स्माइल करते हैं, यानी कि हंसते हैं। यह दृश्य देखकर शिवाजी को आश्चर्य होता है कि यह छोटा लड़का और नंगी तलवार लिए हुए उस पर क्यों प्रहार कर रहा होगा, वो क्यों उसकी जान लेना चाहता होगा। शिवाजी उस बच्चे से पूछते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। वह लड़का बताता है, मैं हूँ मालव जी। शिवाजी बताते हैं कि तुम्हें मुझे मारने का दंड मिलेगा, तुम्हें पता है कि उसकी क्या सजा होगी। बड़ी निर्भयता से वह लड़का कहता है, जी हाँ, मृत्यु दंड। यह बात सुनकर शिवाजी को और आश्चर्य होता है। वह मन ही मन सोचने लगते हैं कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह किसी वीर बालक है और निर्भय भी है और सत्य बोलने वाला बालक है। फिर शिवाजी उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो, क्या मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया है, क्या मुझसे इस मराठा साम्राज्य की प्रतिष्ठा में कोई लांछन लगा है, या मुझे मारकर तुम इस मराठा साम्राज्य के राजा बनने चाहते हो। मालव जी बताता है, जी नहीं, इसमें से कोई बात नहीं है। फिर शिवाजी पूछते हैं, तो क्या बात है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरी जान लेना क्यों चाहते हो। मालव जी बताता है कि मेरे पिताजी आपकी सेना के सेनापति थे, देश की लड़ाई लड़ने के लिए उसने अपने जान की भी परवाह नहीं की और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस बात को 2 साल बीत गए हैं। अब परिवार में मैं और मेरी माताजी है। पिछले 2 महीने से हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं है और हम भूख के मारे तड़प रहे हैं। तभी किसी सैनिक ने मुझे बताया कि यदि मैं आपकी हत्या कर दूं तो वो मुझे दान देगा, इसीलिए मैं आपकी हत्या करने चला आया। उसकी यह निर्भयता वाली बात सुनकर शिवाजी को उन पर और भी गर्व हुआ। शिवाजी ने उसे बताया कि यदि तुम्हारे घर में खाने के भाफे थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए। तब उतना ही साहस भरा उत्तर मालव जी उसे देता है कि आपके सैनिक की मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या हुआ होगा, यह देखने की जिम्मेवारी आपकी है। आपको ये सोचना चाहिए, आपका कर्तव्य है कि उसके परिवार का क्या होगा। मालव जी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए झूठ का रोष दिखाकर शिवाजी तानाजी से कहते, इस लड़के को बंदी बनाकर उसको कैद खाने में ले जाइए
और उसे मृत्यु दंड दीजिए। तभी मालव जी उसे कहता है कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। तो बच्चों, यहाँ तक की कहानी का हमने अभ्यास किया था, अब यहाँ से हम आगे देखेंगे, ठीक है। आप अपनी किताब का चैप्टर नंबर 6 निकालिए, पेज नंबर 35 पर आ जाइए, ठीक है। चलो, इस कहानी को यानी कि इस एकांकी को शुरू करने से पहले शब्दार्थ और मुहावरे की और दृष्टिपात कर लेते हैं। दुभर यानी कि बहुत कठिन, वध करना यानी हत्या, कष्ट यानी दुख पीड़ा, कर्तव्य फर्ज, सराहना यानी कि प्रशंसा करना, दिखावटी यानी कि बनावटी, रोष यानी क्रोध, मृत्युदंड यानी फांसी लेना, राय यानी सलाह, मुग्ध यानी मोहित हो जाना, तुर्क यानी किला, अगाध यानी अपार, अवस्था यानी आयु, प्रस्तुत यानी हाजिर, भार यानी जिम्मेदारी। अब मुहावरे देखते हैं। कसर न रखना यानी कमी न रखना, छाती से लगाना यानी कि प्रेम करना, हिम्मत न पड़ना यानी कि साहस न होना, जीवन दान देना यानी कि जिंदा जाने देना, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम इस इकाई को आगे बढ़ाते हैं। आप पेज नंबर 35 पर आ जाइए, हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहां पर हमने अगले दास में छोड़ा था। मैं वो दोनों लाइन फिर से दोहराती हूँ। शिवाजी, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालव जी, मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी, वह क्या? मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालव जी, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। देखो, इतना सा छोटा बालक है, फिर भी वह साहसी है, वीर है और सत्यवादी है, प्रतिज्ञा भी करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूँ, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। चलो आगे देखते हैं। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हैं। अच्छा जाओ, यही देखना है, मालव जी का प्रस्ताव यानी कि मालव जी यहाँ से चला जाता है। चलो बच्चों, थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या मालव जी लौट कर आया होगा? क्या शिवाजी ने उसे मृत्यु दंड दिया होगा? यही सोचना है। सोचा? यस, आपने मुहावरे में देख लिया कि जीवन दान देना यानी कि आपको यहीं से पता चल जाएगा कि शिवाजी ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन क्यों वो तो हमें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो चलो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। शिवाजी, ओ इस बालक में वीरता कुट कुट कर भरी है, साहस ही साथ ही यह अपनी माता का भक्त है। ऐसा ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? शिवाजी किसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं? तानाजी के साथ। मालव जी के बारे में वो बता रहे हैं कि ये कितना मातृ प्रेम से भरा हुआ है, उसके हृदय में अपनी माता के प्रति अपार स्नेह है, प्रेम है, और इसमें वीरता कुट कुट कर भरी है यानी कि बहुत भरी है। ऐसे ही बालक क्या करते तो कि अपनी माता पिता की लाज बचाते हैं, तुम इसके बारे में क्या मानते हो? आगे देखते हैं। तानाजी,
महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। क्या है, मुग्ध हो गया है तानाजी, मोहित हो गया है उसकी वीरता और साहस देखकर। तानाजी भी उस पर मोहित हो गए हैं। उसे भी इस बालक की वीरता, साहस, निर्भयता और सत्यवादिता के गुण भा गए हैं। चलो आगे देखते हैं। तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। देखिए, उसके पिताजी भी उसकी सेना के सेनापति थे। अब शिवाजी पर इस लड़के को सेना में भर्ती करने की सोच रहे। क्यों? क्योंकि उससे आत्मविश्वास है कि यह बालक अच्छी तरह से पेश आएगा, वह देश की रक्षा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सही बात है, क्योंकि उसके लहू में ही वीरता और निर्भयता दोनों भरी हुई है और देश की सेवा करने का गुण उसके पिताजी के अंदर था, इसीलिए इस बालक में भी आएगा। सही बात है कि नहीं? यस। चलो आगे देखते हैं। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। शिवाजी, तानाजी, मरने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तानाजी, महाराज आप यह क्या करते कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेनानायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज। देखो, मालव जी ने अपराध किया था, शिवाजी फिर भी उसे मुक्त करना चाहते थे और अपनी सेना में सेनानायक बनाना चाहते थे, इसीलिए तानाजी शिवाजी को कहते हैं कि इस अपराध के लिए आपने इतनी बड़ी दया दिखाई। शिवाजी बताते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है, तुमने मेरी जान बचाई, तुम धन्य हो, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तानाजी उसके बताते हैं कि आभारी होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ और दास का पहला कर्तव्य है कि उसकी सेवा करना। किसकी? राजा की। उसके भक्त का यही काम होता है कि भगवान की सेवा करना। तानाजी के लिए शिवाजी भगवान है, इसीलिए वो अपने आप को दास बताता है। चलो, पहला दृश्य खत्म हो जाता है। अब दूसरे दृश्य की ओर आगे बढ़ते हैं। 36वें पेज की ओर। स्थान, शिवाजी के दुर्ग का कमरा। दोपहर का समय था। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तानाजी, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। देखिए, लड़का चला गया है, लेकिन अपनी वीरता की छाप शिवाजी के दिमाग पर छोड़ कर गया है। शिवाजी तानाजी से कहते हैं कि उस बालक के जाने के बाद मैं हर बार उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसकी वीरता और साहस ने मुझे मुक्त कर दिया है। जिस शिवाजी को मारने से पहले लोग 100 बार सोचते, शिवाजी का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं, उसी शिवाजी के सामने इस बालक ने वीरता और साहस बताया है। मैं उसकी वीरता पर
मोहित हो गया हूँ। ताना जी कहते हैं सही बात है, क्योंकि उसने कार्य ही ऐसा किया है। चलो अब आगे देखते हैं। ताना जी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबार प्रवेश कर, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबार के साथ मालव जी का प्रवेश। मालव जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी, वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत ना पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी को, यह कौन सी बात है? देखो, थोड़ी देर के बाद मालव जी आ जाता है। शिवाजी सोच में पड़ जाते कि यह इतनी जल्दी कैसे आ गया, और वो सत्य बात बता देता है मालव जी कि मैं घर पर गया था, अपनी माँ से मिला। मेरी माँ ने मुझे छाती से लगा लिया, यानी कि मुझे बहुत प्यार किया, आलिंगन किया। मैं जाकर भी हिम्मत जुटाकर उसे यह नहीं बता पाया कि मुझे मृत्युदंड मिलने वाला है, क्योंकि यदि माँ को पता चला कि उसको मृत्युदंड मिलेगा तो वो तो टूट जाएगी। सही बात है, यदि किसी माँ को पता चल जाए कि उसके बच्चे की मृत्यु होने वाली है तो क्या होगा? यही सोचकर मालव जी उसे नहीं बताता है। लेकिन फिर वो और एक बात शिवाजी से मांगता है। चलो बच्चों, आप पेज नंबर 37 यानी कि 37 पर आ जाइए। मालव जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बस तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी, शिवाजी के पैरों में गिरकर, आप धन्य है। शिवाजी, मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मालव जी, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं रहूंगा। शिवाजी, वीर पुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। बच्चों, यहाँ पर यह एकांकी खत्म हो जाती है। देखिए, शिवाजी ने एक क्षत्रिय पुत्र के साथ कैसा अच्छा व्यवहार किया, अपराधी होने के बाद भी उसे जीवन दान दिया, और जीवन दान मिलते ही मालव जी ने भी अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। क्या कहा उसने, चाहे कुछ भी हो जाए, यह शरीर आपका है क्योंकि आपने मुझे जीवन दान दिया। शिवाजी ने बताया कि जिस प्रकार तुम अपनी माता के लिए परेशान हो, दुखी हो, व्याकुल हो, उसी प्रकार मैं इस भारत माता के लिए चिंतित हूँ। तो मालव जी कहता है कि जब तक इस शरीर में जान रहेगी, तब तक मैं भी इस भारत भूमि की रक्षा करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। बच्चों, यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले क्षमा करना वीरों का आभूषण है। फिर दूसरी बात कि हमें निर्भय, साहसी और वीर बनना चाहिए, साथ में सत्यवादी भी बनना चाहिए। और एक बात सीखने के मिलती है कि शिवाजी की तरह हमें भी भारत माता की रक्षा के लिए जी जान लगा देना चाहिए। और एक बात कि इस पूरी एकांकी से, इस इकाई से हमें यह सीख मिलती है कि मातृभूमि की रक्षा करना प्रत्येक इंसान का पहला कर्तव्य है, और दूसरों की भी दुख
दर्द को पीड़ा को समझना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको वर्कशीट लिखने में आसानी रहेगी। मुझे आशा है कि यह इकाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तास के बाद आपको वर्कशीट दी जाएगी। आपको वह वर्कशीट अपनी बुक के अंदर दिनांक, इकाई नंबर, इकाई नाम लिखकर अच्छे अक्षरों में पूरा करना है। अगले तास में फिर मुलाकात होगी नए विचारों के साथ, नई इकाई के साथ। तब के लिए अलविदा, धन्यवाद।